दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव और प्रचार अपने सवाब पर पहुंचने लगे हैं। जिस भी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने पसीना बहाना शुरू कर दिया है और भूखे प्यासे अपने समर्थकों के साथ रात दिन चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे किसी छोटी पार्टी का हो, चाहे वो किसी बड़ी पार्टी का हो, और जो जितनी मेहनत कर लेगा, जो जितना मतदाताओं के पास चला जाएगा, अपनी बात कह देगा और जनता को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाएगा, उसी की संभावनाएं चुनाव जीतने की बनती हैं। चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि फरीदाबाद संसदीय सीट की 9 सीटों में किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है। दोस्तों, पिछली बार 9 सीटों में से अधिकांश पर भाजपा ने कब्जा किया था। फरीदाबाद की 6 में से 4 सीटें भाजपा ने जीती थी। पटला से आजाद उम्मीदवार नैनपाल रावत जीते थे, पलवल से भी भाजपा जीती थी, और अगली सीट से जो वाल्मीकि हैं, पारे जगदीश वाल्मीकि जीत गए थे भाजपा के उम्मीदवार होडल से, और प्रदेश कांग्रेस के चौधरी उदयवान जी को भी थोड़ी सी मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था। अगली सीटों पर हतीन की भी भाजपा ने जीती और नू वाली कांग्रेस ने जीती, यानी अधिकांश सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो इतिहास की बात हो गई कि जो 8 अक्टूबर को जब चुनावी रिजल्ट आएगा तो इन फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की 9 सीटों पर क्या होने जा रहा है, कौन सी पार्टी चुनाव में भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जितना अब हम जनता के बीच में गए हैं, मतदाताओं के बीच में गए हैं, हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उससे जो नतीजा निकल कर आ रहा है वो ये है कि अब तक के जो आकलन पर हम आपको जानकारी दें तो दोस्तों, वो ये है कि इस बार फरीदाबाद की जो 9 सीटों पर पिछले 2019 में विधानसभा के जो रिजल्ट रहे थे, इस बार संभवतया उसका उल्टा होने जा रहा है। यानी 9 सीटों में से भाजपा बमुश्किल 2 या 3 सीट जीतने की स्थिति में है और कांग्रेस 6 से 7 सीटें जीत सकती है। यानी हम ये भी जानते हैं कि वो भाजपा की कौन सी कमजोर कड़ी है जो भाजपा को इस बार फरीदाबाद की संसदीय क्षेत्र में हराने का काम कर रही हैं। वो कमज़ोर कड़ियाँ कौन हैं, वो कमज़ोर उम्मीदवार कौन हैं जो 6 या 7 या 8 भाजपा के उम्मीदवार 9 में से हारने जा रहे हैं, जो कम से कम 6 या 7 तो हो ही सकते हैं। हम दोस्तों, इन सीटों पे जो आकलन हमने किया है उस पर हम ये भी बता सकते हैं कि फलानी सीट भाजपा हार रही है, ये सीट हार रही है, ये सीट हार रही है, ये सीट हार रही है, कांग्रेस ये जीत रही है, ये जीत रही है, ये जीत रही है। लेकिन दोस्तों, अभी हम ये पर्दा रखना चाहते हैं और जो भाजपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और बहुत मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पसीना रात दिन बहा रहे हैं, हम उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहते कि ये उम्मीदवार इस सीट से हार की कगार पर है, क्योंकि उसका मनोबल टूटेगा,
उसके समर्थकों का मनोबल टूटेगा, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। हम देखेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में यदि कोई ऐसी स्थिति हुई तो हम सीट वार भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम यही बताने जा रहे हैं कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में जो 9 सीटें विधानसभा की पड़ती हैं उन पर भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं है और ज़्यादातर सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार शायद चुनाव हारने जा रहे हैं और कांग्रेस इस बार मजबूत दिखाई दे रही है और उसके उम्मीदवार जीतने की स्थिति में ज़्यादा हैं। बहरहाल हम कोई भगवान नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, कोई भविष्य वाणी भी नहीं करते हैं, लेकिन जो जनता के बीच में आवाज़ आ रही है, चाहे हम पान की दुकान पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं या दुकानदारों से कर रहे हैं या चाय की दुकान पर बातचीत देख रहे हैं, किसी भी वर्ग में जा रहे हैं, लोगों का झुकाव जो पहले हुआ करता था और जो जो भक्त टाइप बातें करते थे, जो मोदी भक्त थे, इस बार वो भी लगभग तंग आ चुके हैं और वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो भाजपा नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने जनता के साथ फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में वादे किए थे वो उन पर लगभग खरे नहीं उतरे हैं। बहुत कम काम वो कर पाए जो उन्होंने वादे किए थे, इसीलिए जनता इस बार उनको सबक सिखाना चाहती है। तो दोस्तों, ये जनता जनार्दन है, हम जनता की आवाज़ हैं और इसीलिए जो जनता के बीच में हमने चर्चाएं की हैं उसका यही रिजल्ट है कि फरीदाबाद की 9 सीटों में से भाजपा अधिकांश पर हारती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।